हेलो एवरीवन, अश्विंदर कौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सिंपल से कटलेट्स, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, फटाफट से बन जाते हैं, और आप इन्हें अपने तरीके से इनोवेशंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-6 बॉइल्ड पटाटो लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, यहाँ पे पनीर ले रही हूँ। इन दोनों को भी हम ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है अदरक चॉप किया हुआ, और एक हरी मिर्च है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आलू ग्रेट कर लिए हैं पनीर के साथ, और यहाँ पे मैंने कुछ उबले हुए मटर भी डाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं मैश करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको चॉप कर लिया है, और साथ में एक हरी मिर्च जो आपको दिखाई थी। यहाँ पे ले रही हूँ आधा आधा चम्मच चाट मसाला और गरम मसाला, ठीक है। नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची डाल लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं आमचूर भी डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये घर के बनाए हुए ही ब्रेड क्रम हैं, तो ये भी 2 चम्मच आप भर के डाल लीजिए। अब इस सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से एक बारी। अब हम ये एक एक लेंगे अपना कटलेट, जितना भी साइज आप बनाना चाहते हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसे टिक्की की शेप में बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये आप बना लीजिए, और उसके बाद डिप कर दीजिए इसे अपने ब्रेड क्रम्स में, अच्छी तरीके से कोट कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसे आपको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए ब्रेड क्रम, और हमारा तेल इससे खराब ना हो। सो देखिए, ये जो हमने कटलेट्स फ्रिज थोड़ी देर फ्रीज़र में रखे थे, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, देखिए। और ये फ्राई होने के बाद देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी कटलेट बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।